मध्य प्रदेश के दतिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि यहां पर डीसीएम पलटने से एक दर्जन लोगों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लोग ग्वालियर के बिलहेटी गांव से टीकमगढ़ से जतारा लड़की को लेकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि मरने वाले लोग ग्वालियर के बिलहेटी गांव से टीकमगढ़ के जतारा की लड़की को लेकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान दतिया के बुहारा गांव के पास निर्माणाधीन पुल के पास गाड़ी पलट गई, जिसके वजह से लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं बता दें कि अभी तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। गाड़ी कैसे पलटी अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बड़ी एक दुखद प्रसंग आज सुबह हुआ था। बुहारा गांव है और नदी का नाम भी बुहारा है। ग्वालियर जिले के बिलहेटी गांव के खटीक समाज के लोग जतारा टीकमगढ़ बिटिया को लेके शादी के लिए जा रहे थे। आईसर ट्रक था एक, जिसमें रपटे पैसे पहिया नीचे आने से पलट गया है। बहुत दुखद घटना घटी है। 5 लोग अभी उसमें काल कवलित हुए हैं, जिसमें से 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटा बड़ा है 15 साल का और एक बहन है, माता है 65-60 साल की। ये हुए हैं। सभी के जो घायल हुए उनके इलाज की चिंता दतिया अस्पताल के अंदर की जा रही है। ये सेवड़ा विधानसभा के अंदर ये जगह आती है। सभी का इलाज दतिया में हो रहा है। पहली प्राथमिकता इनके इलाज की और शीघ्र स्वस्थ होने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका संज्ञान लिया है, निगरानी रख रहे हैं। 4-4 लाख रुपया मृतकों को और घायलों को 50-50 हजार रुपया देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। अभी लगभग सभी लोग निकल आए हैं जैसा उनके साथ वाले बताते हैं, लेकिन इसके बाद चूंकि वो अभी घबराए हुए हैं तो इसलिए हमने रेस्क्यू जारी रखा हुआ है।